जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो थंबनेल में आपको रियल नंबर दिख रहा होगा जो कि टच है किससे, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसको स्टार्ट करते हुए हम आपको बताते हैं कि क्यों ये जरूरी है। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, रियल नंबर हमने क्या किया है, छोटी क्लासों में भी पढ़ाया है। और रियल नंबर जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हमने एक चीज सीखी थी कि रियल लाइन क्या थी। रियल लाइन मतलब कि इस रियल लाइन पे जितने सारे नंबर आते हैं सभी क्या आ जाएंगे, रियल नंबर होंगे। इस पे क्या क्या नंबर आते थे, सबसे पहले हमने सीखा था नेचुरल नंबर। आप सभी जानते हो जैसे 1 से जो स्टार्ट होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर अप टू इंफिनिटी, ठीक है। बट इसके अंदर क्या आता है, 2, 4 ये सारे नंबर भी आते हैं। वो आपको पता है कि जो 2 से डिवाइड होते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। नहीं दिख पा रहा होगा, यहाँ पे देखो, इवन नंबर आपने देखा होगा, इवन नंबर कह रहा है 2, 4, 6, 8 ये सारे आपके इवन नंबर थे। इससे अपोजिट जो नंबर होता है जिसको बोला जाता है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर जैसे आपने पढ़ा था 1, 3, 5, 7 जो ये सारे नंबर अप टू इन्फिनिटी, इस तरीके के जो सारे नंबर होते हैं आपके ओड नंबर होते हैं। ये एक छोटी सी क्लास थी कि इवन नंबर, ओड नंबर, उसके आगे हमने पढ़े थे प्राइम नंबर। आपको पता है कि प्राइम नंबर से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके क्या होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, दो। दो कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो वो अपने आप होता है इटसेल्फ। फैक्टर क्या होते हैं इसके, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो फैक्टर। जैसे एक तो इटसेल्फ और एक क्या होता है, वन। इस बात को समझना, इस बात को समझने के लिए हम समझते हैं जैसे वन को हमने लिया, वन का एक फैक्टर है खुद वन, और वन खुद है वो वन ही है, इसके दो फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए ये नंबर आपका क्या नहीं होता है, प्राइम नंबर नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं हम टू के लिए। टू के लिए वन तो फैक्टर होता है और ये खुद अपने आप में भी फैक्टर होता है। हाँ जी, ये नंबर आपका क्या बना, प्राइम नंबर बना। तो इस तरीके से हम प्राइम नंबर निकाल सकते हैं, और ये आपने पढ़ा भी था। बेसिकली अपना टॉपिक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन रियल नंबर आ गया तो उसके अंदर बहुत सारे नंबर पहले से ही इनबिल्ट होते हैं। उसको पढ़ना जरूरी है, पता होना जरूरी है कि कौन कौन से नंबर क्या क्या होते हैं। प्राइम नंबर के बाद इसके बाद आता है कौन सा नंबर आता है, कंपोजिट नंबर आता है। कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके अपोजिट नंबर होता है। जैसे अभी मैंने बताया फैक्टर, फैक्टर क्या होंगे इसके, फैक्टर होंगे 2 or more than 2, ये फैक्टर होते हैं। दो या दो से ज्यादा जो फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। अब आप बोलोगे कि 1 आपका कंपोजिट हुआ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका एक ही फैक्टर आपने देख चुके हो। एक फैक्टर होगा तो ये प्राइम नंबर भी नहीं होगा और कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। तो 2 और आगे देखते हैं, 2 भी नहीं होगा, 3 होगा। 3 कैसे, 1 तो होता ही है, खुद अपने आप में है। क्या ये प्राइम नंबर है, हाँ जी ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 4 का लिखते हैं, 4 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा, ये इसके फैक्टर निकल के आते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर हुए तो ये आपका क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। अच्छे से आप इस डेफिनेशन को समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, कंपोजिट नंबर हो चुका है। होल नंबर के बारे में जानने के लिए, अगर जो मैं नेचुरल नंबर के साथ 0 को ऐड कर देता हूं, नेचुरल नंबर के साथ क्या कर देता हूं, 0 को ऐड कर देता हूं, तो ये नंबर क्या बन जाता है, आपका होल नंबर बन जाता है। क्या नंबर बन जाता है, होल नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर क्या होते हैं, इसके अंदर अप्लाई होते हैं। आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बस मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास है उसको बताने के लिए। अबाउट 10th क्लास, आप रियल नंबर में क्या चीज पढ़ने जा रहे हो वो आपको आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। इम्पोर्टेंस इस चैप्टर की क्या है, वो ये टॉपिक है। सबसे पहले आपका क्या आता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आप बोलोगे क्या यार यूक्लिड, यूक्लिड क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने अपने मेथड को, अपनी क्लासिफिकेशन को दिखाने के लिए यूक्लिड का नाम दिया है। अपने नाम से ही उसने क्या किया, इस डिवीजन मेथड का नाम दे दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा।
यूक्लिड डिवीजन लेमा को क्यों यूज करते हैं? ओनली क्या है आपका डिवीजन प्रोसेस होगा, वो भी क्या लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस होगा इसमें। कौन सा प्रोसेस होगा? लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ये आपका इसमें चलेगा। डिवीजन इंटीजर्स, अभी आप मैंने इंटीजर के बारे में आपको नहीं बताया। इंटीजर आपको मैंने आपके पास रियल लाइन के बारे में आपको बताया था कि रियल लाइन क्या है, ये जीरो होता है, ये वन होता है, ये टू होता है, जीरो होता है, ऐसे आपके नेगेटिव नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे नंबर क्या होते हैं आपके? इंटीजर होते हैं। इंटीजर्स की जब आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, डिविजन करते हो, तो वो भी लॉन्ग डिविजन मेथड से, उसको क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिविजन लेमा। और जो प्रोसेस बनेगा बताऊंगा मैं कैसे बनेगा, वो फर्स्ट क्लास में आपके फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे, अब तो इंट्रोडक्शन है, उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से डिवाइड होती है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को क्यों यूज किया जाता है और क्यों ये जो स्टेप होंगे उसको क्या बताता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली क्या है कि जैसे आपने क्या किया कि ये जो है आपका कौन सा नंबर है, ये जो है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो नंबर है आपका, मान लिया ये ए नंबर है, आपने बी से डिवाइड किया तो कोई ना कोई रिमाइंडर देगा और यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन देगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ए इक्वल टू, आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया और प्लस में क्या कर देते हैं? रिमाइंडर कर देते हैं, तो आपको पता लग जाता है ये नंबर क्या आएगा। ये नंबर क्या होता है आपका? डिविजन होता है, इसको बोलते हैं, सॉरी ये आपका डिविडेंट होता है, इसको बोलते हैं डिविजर, और ये क्या होता है? कोशेंट, और ये क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर तब तक नहीं होता है जब तक ये बी से छोटा नहीं होगा, बी से छोटा इसको होना जरूरी है, या तो ये जीरो हो सकता है या इक्वल हो सकता है, जीरो के इक्वल हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है या बी से छोटा हो सकता है। ये जो आपकी इस तरीके की जो थिंक होती है वो यहाँ पे यूज की जाती है इस एल्गोरिथम में। अब ये यूज की जाती है बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए, क्या? एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे इस वाले मेथड से। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये आप पहले से ही जानते हो इसको, लेकिन अब क्या करना है आपको? ओनली डिवाइड करना है किसमें? प्राइम नंबर में। अभी मैंने बताया था प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया भी दिया कि प्राइम नंबर्स के उसमें हम इसके फैक्टर को देखेंगे और उसमें क्या निकालेंगे, उसमें निकालेंगे क्या? एचसीएफ एंड एलसीएम, ये चीज आप निकालोगे उसके अंदर, ठीक है। बेसिकली तो ये था, अब और क्या है इसके अंदर वो भी देख लेते हैं, और क्या है इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। इसको साफ करते हैं थोड़ा सा, हाँ जी, और क्या है इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं पहले तो आपको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है या नहीं है। किस मेथड से करेंगे, कैसे करेंगे, इसको जानने के लिए आगे अगली क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में करा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, क्या कि कोई भी डिवीजन होती है, क्या कोई भी डिवीजन होती है, या तो वो पॉइंट के बाद क्या होती है, जैसे मैंने 3/2 किया तो ये आ जाएगा 1.5, 3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5। अब 1.5 ये क्या हुआ, पॉइंट के बाद क्या हो गया, स्टॉप हो गया, पॉइंट के बाद क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इस स्टॉप को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे? बोलेंगे इसको कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, कि टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अब कई ऐसे नंबर होते हैं जो टर्मिनेटर नहीं होते हैं, जैसे क्या है 0.3333, इसको टर्मिनेट बनाने के लिए हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आएगा, ऐसे नंबर जो क्या होते हैं डिवीजन के बाद रुके ना, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आप अच्छे से 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता क्या है, जैसे हमने पाई के बारे में पढ़ा था 9th क्लास में, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, वो तो ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, आपको पता है ये चीज। पाई बाई टू, 22/7 आपकी जो वैल्यू होती है, 22/7 ये तो आपकी क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है, डिवाइड करके देख लेना टर्मिनेटिंग हो जाएगी।
और इसकी जो वैल्यू होती है 1.4, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आगे चलती रहती है, ये कभी भी रिपीट नहीं होती है, इसलिए इस नंबर को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल बोलते हैं। अब आपकी समझ में भी आ गया होगा, जो रिपीटिंग नंबर होते हैं या फिर जो स्टॉप नंबर हो जाते हैं उसको बोलते हैं रेशनल, और जो रिपीट नहीं होते हैं और स्टॉप भी नहीं होते हैं ऐसे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। और आपको क्लास कैसी लगी, किस तरीके से लगी, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है? और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।